जब वो मुझसे पूछा तमाम सारे प्रश्न करता था, क्यों ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, मैंने कहा मुझे क्या पता भगवान जाने, तो क्या ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य जाइए, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। हॉटकिक में आपका स्वागत है, मैं हूं आसिया खान। मालेगांव बम धमाके की मुल्जिम प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी ने जब से भोपाल से अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है, तब से लोगों के जहन में बहुत से सवाल पैदा होने लगे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या वो पार्लियामेंट जहां पहले साफ और शफाफ और सुलझे हुए जहन के लोग आवाम की नुमाइंदगी करते थे, अवामी फलाह बहबूद की बातें करते थे, जिसका आवाम की निगाह में एतबार और वक़ार था, क्या वो अब बदलते वक्त के साथ मुजरिमों और समाज में खौफ और दहशत फैलाने वालों की पनाहगाह बन जाएगा? क्या वहां जहरीली और नफरत फैलाने वाली आवाजें गूंजेगी? हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में हर शख्स को इलेक्शन लड़ने का हक हासिल है, मगर जमहूरी कदरों को पामाल करने वालों को क्या ये हक दिया जा सकता है? प्रज्ञा ठाकुर के ताल्लुक से ये सवाल बहुत अहम है कि ऐसी साध्वी जो मुल्क को धर्म के नाम पर बांटना चाहती हो, जो समाज में हिंदू मुस्लिम फसाद फैलाना चाहती हो और जिसके माथे पर आतंकवाद का कलंक लगा हुआ हो, क्या उसे एक सेकुलर जमहूरी मुल्क में अवामी नुमाइंदा बनाया जा सकता है? हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ऐसे शख्स को बीजेपी ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है जिसके खिलाफ जरायम की एक लंबी फहरिस्त है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि वो फितरतन मुजरिम है जिसने बरसों बम धमाके के इल्ज़ाम में सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजारी है, जिसने बाबरी मस्जिद को गिराने का एतराफ़ किया है, जिसने शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया है। क्या ऐसे मुल्ज़िम को अपना उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने अपने दोगलेपन का सबूत नहीं दिया? जो भाजपा आतंकवाद मिटाने के नाम पर आवाम से वोट मांगती रही, क्या वो अब आतंकवाद का सहारा लेने पर मजबूर हो गई है? क्या उसके विकास का नारा दम तोड़ चुका है? आखिर बीजेपी साध्वी प्रज्ञा को लोकसभा उम्मीदवार बनाकर हिंदुस्तानी समाज को क्या पैगाम देना चाहती है? यही ना कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देना जरूरी है। बीजेपी उसूलों और आदर्शों की बात करती है, करप्शन बदउनवानी को खत्म करने की बात करती है, मगर वो खुद ही करप्शन में पोर पोर डूबी हुई है। कहती कुछ है और करती कुछ है, उसका दोगला चेहरा आवाम के सामने आ चुका है और उसका बड़ा सबूत साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी है। साध्वी ने ये कहकर शहीद करकरे का अपमान किया है कि वो मेरे श्राप से मरा है। इससे ये जान लेना चाहिए कि बीजेपी के लिए फौजियों की शहादत सिर्फ और सिर्फ इख्तदार हासिल करने का एक जीना है। वो शहीदों और फौजियों को सिर्फ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करती रही है। बीजेपी सही मानों में एक दोगली पार्टी है जो विकास के नाम पर लोगों को बेरोजगार बनाती है, नोटबंदी के नाम पर काले धन का जखीरा जमा करती है, किसानों को खुदकुशी पर मजबूर करती है। अब बीजेपी के पास विकास का चेहरा नहीं बल्कि वो खौफनाक चेहरा है जिसका एक नाम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है।